प्राचीन समय की बात है। एक समुंदर के किनारे एक गुरु अपने आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत ही अनोखा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह ही अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुंदर के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठा कर लाया था, जिसे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुंदर के किनारे टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़ के गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसे लगने लगेगी। संध्या हो चली थी और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु के आँखों में एक अद्भुत पूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आँखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारा हृदय से सारी भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने की महत्व समझते थे, जो दिखावा में विश्वास नहीं करते थे, वो सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपने पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम में ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई थी। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिरकार वो सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घेरा रहना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसे नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना होता है। उसके बाद उन्हें ये बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना होगा, इसे एहसास करना होगा कि अकेले रहकर तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को
अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गया। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुम्हें पहुँचा दूंगा। वो बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल में चला जाऊँगा, फिर से मेरे दास और दासियाँ सारी भोग की वस्तुएँ मेरे पास होंगे। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, बाज को देखना है, बहुत गौर से देखना है, हर गतिविधि को देखनी है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी बकरियों को लेकर चराने के लिए आता है, तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियों को भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु आपस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे रुका हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चे के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियां बहुत ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत पूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज बकरी के एक मेमने को अपने पंजे में दबाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखे हैं, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक तोता हम सभी ने देखा होता है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा आसमान में नहीं जा पाता, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजरें लगाई रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जैसे ही बाज को मैंने देखा, उसने हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस बकरी के झुंड में से उसने एक बकरी के मेमने को ही अपना शिकार बनाया। पहली बार उस बाज की तरह ही हमें अपने ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितने भी रुकावट क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी, जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वो यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, वो हमेशा आकाश में अकेला रहता है। इसे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। तीसरी बात जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसलों की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने की प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाती है, पानी और धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ जाता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। और वो तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए हटा पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर
उसे घबराता नहीं है, उसे डर कर बचने की प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितने भी रुकावट क्यों ना आए, हमें उनसे डरना नहीं है। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से भी टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में, अपनी जगह में आराम से बैठ जाते हैं। चौथी सीख जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसलों में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, जो तिनके कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को हटाकर जीवन में मेहनत करना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसलों में से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को हटाकर निकलो। हर दिन अपने आप को चुनौतियाँ दो, हर दिन मुश्किल का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। यही कारण होता है कि बाज जल, थल और आकाश सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 17 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पुराना हो जाता है। नाखून उसके पैर में घसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, जीने के भी हालात नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यास मर जाए, किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज दूसरे विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंची चोटी पर ले जाता है। वहाँ वो पहले अपने सारे पंख खींच खींच कर निकाल देता है और फिर चट्टान पर मार मार कर अपने पंजे कुतर देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपने चोंच को पटक पटक कर पुराना हिस्सा निकाल देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवर से छुपाए फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंख का। तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल जाता है अपने शिकार पर और अगले 30 साल तक फिर से राज करता है। इसीलिए समस्या आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को त्यागना होता है और कुछ नया सीखना होता है, समय के साथ बदलना होता है, अपने आप को तैयार करना है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो बकरियाँ तीतर बीतर हो जाती हैं। उस पूरी बकरियों में से एक भी बकरी अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना हो तो खुद पर करना, क्योंकि बुरे समय आने पर वो सब लोग बकरी की तरह तितर बितर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई है तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सही बात है जो अभी इस बच्चे ने बताया है, सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने की अभ्यास करोगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाता। वो आसमान में अकेला रहता है और अकेले रहने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे को राजमहल की तरफ ले जाते हैं। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।